वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द फोर्थ डायमेंशन एंड Chaudhary. नेम इज प्रयास चौधरी आई हमारे साथ हैं आज आज आपने अपना अंग्रेजी में दे दिया मेरा हिंदी में मैं प्रयास चौधरी रोहतक हरियाणा से और संजय राजोरा जी कहाँ से हैं सर आप मैं हर जगह से हर जगह से सर्वव्यापी हाँ। है। है। आज हम बात करेंगे द फोर्थ डायमेंशन ऑफ रोड एक्सीडेंट्स एंड द फोर्थ डायमेंशन इज ऑल दो हम सब लोग बोल देते हैं कि यार एक्सीडेंट हो गया था बट hmm. मेरा ये मानना है एक्सीडेंट की डेफिनेशन होती है इट इज ए ह्यूमन एरर और इट्स मशीन फॉल्ट एवरी थिंग एल्स इज ए मर्डर बाय द सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा जो सिस्टम जो है ना रोड एक्सीडेंट्स आई थिंक मोर देन नाइनटी फाइव परसेंट ऑफ द रोड एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाई द फेलियर ऑफ द सिस्टम

तो हो सकता है वहां पे लाइटिंग ना हो या रोड के जो होते हैं इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग होती है जो रोड में शायद वो ना हो ठीक है बहुत सारे फैक्टर्स हैं और कंप्लीटली इग्नोर किया जाता है जी बिल्कुल सही कह रहे हो वो जो कितनी दफा ऐसे होते हैं बहुत सारी रोड है लाइटिंग कुछ नहीं है लेकिन एक भयंकर सा स्पीड ब्रेकर बना हुआ है बिल्कुल आउट ऑफ नो एयर और कुछ को जो आ रहा है वहां पे पहली बार जो आ रहा है जिसको जो कई बार आ चुका है उसे तो मालूम रहेगा बिल्कुल जो पहली बार एक टू व्हीलर पे आ रहा है वो हंड्रेड परसेंट गिरेगा उससे पता है सबको 100 के रहे है। वो इतना स्पीड स्पीड ब्रेकर वो स्पीड ब्रेकर नहीं है। वो नहीं यूं यूं ऊंचा कोई कोई हो होना इतना चाहिए होना, हाँ। इंडिया में क्या होता है मिस्त्री लगा हुआ है अरे रामपाल एक तसल और थोड़ा सा ऊंचा नो इंजीनियरिंग इन्वॉल्व ठीक है जिम्मेदारी किसकी है सर ये जिम्मेदारी इनवे जो आप जो बोल रहे थे शुरू में सिस्टम जो है रोड सेफ्टी जो ना इंडिया में प्रायोरिटी नहीं है इंडिया में आ, देखो दिल्ली और नोएडा से और आगरा के बीच में एक्सप्रेसवे बना हुआ है ठीक है वो इतना स्मूद है कि मतलब आप साढ़े तीन चार घंटे में आगरा पहुंच जाते हो टोल भी है उसके लेकिन उस एक्सप्रेस वे पे इतने गंदे गंदे एक्सीडेंट हुए इतने लोग मरे उसके ऊपर मतलब कई बार तो आप अपनी लेन में जा रहे हो उधर से आके गाड़ी आपके ऊपर गिर गई तो वो और जबकि उसमें स्पीड लिमिट भी करके रखी हुई है तो समथिंग इज मिसिंग मतलब आपने इतना बढ़िया एक्सप्रेस वे बना दिया जहां पर गाड़ियां रफ्तार से चल चल रही है स्पीड लिमिट भी वहां पर लगा रखी है आप जैसे ही टोल पे जाते हो तो वहां बोलते हैं आप तेज चल रहे इसको कम कर दो लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा होता है कि टायर फट गई गाड़ियों के वो ऊपर आके गिर गई आपके ऊपर इतने लोगों की मौतें हुई है वहां पे हमारी जान पहचान में कितने लोगों की मौतें हुई है लेकिन उसको ही बोल रहे यार एक्सीडेंट हो गया था उसको उसको ऐसे जो जो तुम बोल रहे थे कि एक्सीडेंट हो गया उसमें मर गया लेकिन वो एक्सीडेंट का सो मैनी पीपल इन इंडिया हैव डाइड बिकॉज ऑफ स्पीड पुलिस जो है ना कहीं पे भी आके ना बैरिकेड लगा ठीक है वो मतलब एक मेन रोड के ऊपर ऐसे ऐसे वो बैरिकेड बना हुआ है तो आप गाड़ी यहां से यूं निकाल के यूं फिर एक और फिर वो और मुझे समझ नहीं आता है इसका मतलब क्या है ये क्यों लगाया हुआ है मतलब अगर अच्छा और वहां पे कोई पुलिस वाला भी नहीं खड़ा है अगर पुलिस वाला खड़ा हो तो मतलब एक गाड़ी धीमी हुई है और वो सामने रोक रहा है और फिर वो चेकिंग कर रहा है कोई पुलिस वाला ही नहीं ये किस लिए है ये मतलब ऐसा तो नहीं है ना कोई बहुत बड़ा आतंकवादी आया उसने त्रिपुरी के पुलिस के बैरिकेड लग रहे हैं वापस घूम जाएगा वहां से हैं, ऐसा तो नहीं है कि मतलब 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 निकल जाएगा आप आपका ये लगाने का मतलब क्या है मतलब इस और इस बैरिकेड की वजह से मैं रोड सी बात हूं, आ, सिस्टम, आ, सबसे दो दो किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है लॉजिक क्या है इसका और या तो कोई पुलिस वाला वहां पे हो जो बोले कि हमने आपको धीमा किया जरा दिखाओ में तुम पीके तो नहीं चला रहे तुम लाइसेंस है या नहीं है तुम्हारे पे गाड़ी के कागज है या नहीं है एक और बात इसी में मैं बोलना चाहता तो हूँ सिस्टम की जो बात हो रही थी एक लॉ है कि भाई आपका व्हीकल जो है ना पोल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए ठीक है जब डीजल गाड़ी दस साल की हो जाती है तो रिटायर होती है पेट्रोल गाड़ी पंद्रह साल की होती है हो रिटायर होती है ठीक है लेकिन आपको कितने टेम्पो चलते हुए दिख जाएंगे ट्रक चलते हुए दिख जाएंगे जिनके काला धुआं छोड़े जा रहे हैं छोड़े जा रहे हैं छोड़े जा रहे हैं

अजीब ही माहौल है और एक और रोड रोडिकेट में बताता हूं इंजीनियरिंग डिजाइन की जो आप बात कर रहे थे आपने एक हाईवे बना दिया ठीक है और वो हाईवे मतलब जैसे नोएडा से आश्रम तक आता है वो ठीक है दिल्ली तक आता है वो एक्सप्रेस वे बना हुआ है पूरा आप फर्राटे से वहां से गाड़ी दौड़ा के आते हो लेकिन एक्सप्रेस वे के एंड पे क्या है रेड लाइट क्या फायदा हो तो क्या मतलब उसका मतलब पूरे स्पीड से आके आप वहां पे अटक गए हो और फिर वहां पर लंबी लंबी लाइन लगी रहती है स्पेशली सुबह शाम के टाइम में जब ऑफिस के टाइम होता है मतलब पूरा एक्सप्रेस हो जाता है वो तो किसने कौन ये इंसान है जिसने ये आइडिया लेके आया जो कि भाई ये इसके एंड में मुझे रेड लाइट लगा देनी है ऐसी बारा पुल्ला करके पुल है ठीक है वो मतलब चलता है एम्स के सामने से ऊपर से और उतरता है सराय काले खाक से थोड़ा सा पहले वो बारा पुल्ला इसलिए बनाया है कि भाई ट्रैफिक हो उस बारापुला के अंदर बीच में रेड लाइट लगा रखी है मेरे को समझाओ ये किसका लॉजिक है किसने ये बनाया है मैं आपको एन का एग्जांपल बताता हूँ जयपुर एक्सप्रेसवे का ठीक है जब बनी थी पंद्रह बीस साल पहले बढ़िया रोड बना दी एट लेन लाइटिंग वाइटिंग लगा दी और वो शायद सतारह अठारह मीटर सतारह अठारह किलोमीटर का स्ट्रेच था जो दिल्ली से सीधा गुड़गांव पार करवा देता है लेकिन ये बात किसी ने सोची ही नहीं कि ये जो सड़क गाँव के बीच में से निकल रही है गाँव के बीचों बीच सड़क निकल रही है, तो है। उन्हीं की जमीन पे निकली है अब दुकान वाले का गांव वाले का एक का घर रोड के इस तरफ है उसकी दुकान सामने है ऊपर कुछ उनके जाने के लिए वो किसी ने नहीं सोचा

यार इन तमीज ही नहीं है क्या तुमने उसके घर के बीच में चला रहे कोई, नहीं छोड़ा है तुमने। कोई ये बात नहीं करता है कि यार अगर इतना बड़ा हाईवे बना हुआ है इतना एक्सप्रेस वे बना हुआ है कुछ भी बना हुआ है तो ऊपर से एक ओवर ब्रिज भी होना चाहिए जिससे लोग आ जा सके आ जा सके ये अलग बात है कि इंडिया ओवर ब्रिज से कोई जाता नहीं सबको शॉर्टकट ही चाहिए

एक आदमी भी या दो आदमी आपको बता देना कि हिंदुस्तान की स्पीड लिमिट क्या है मेरे को तो नहीं पता था जो ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोसेस है उसमें सब पास होते हैं जी मैंने तो सुना कोई है। कोई, मैंने भी नहीं रिजेक्ट हो गया मैं रिजेक्ट हो गया मुझे दोबारा भेला है पढ़ाई करके आ या गाड़ी चला के ला सब पास होते हैं ठीक है ये कैसा सिस्टम है इंडिया में भी प्रोसेस है ठीक है आपको पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको सारे रूल्स पढ़ने पड़ेंगे क्या क्या है हमारे देश में और किस तरह आप चारों तरफ के साइंस को देख के अपनी इन्फॉर्मेशन गैदर करके पता लगा सकते हो तो कि मुझे कितनी स्पीड से चलना है आगे किस चीज का ध्यान रखना है ठीक है और वो इत, मैं जैसे तीन बार फेल हुआ था यहाँ पे एग्जाम में क्योंकि पढ़ाई करनी पड़ती है आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस किताब में से कि कुछ भी हो सकता है आपसे कुछ भी पूछ लेंगे आप फेल हो जाओगे अगर आपने आंसर नहीं दिया तो हिंदुस्तान में क्या होता है जब पेपर देने जाते हैं ना जो मैंने आखिरी बार देखा था रिटर्न जो एग्जाम होता है उसमें लेमिनेटेड शीट दी जाती है आंसर शीट कि आप इस पर टिक कर दो क्योंकि वो दोबारा पेपर भी पेपर भी बचाना है उनको और उस लेमिनेटेड शीट के ऊपर टिक मार्क्स लगाने आते हैं यस नो यस नो करना होता है वो उस पर ना गड्ढे हुए होते हैं लोगों ने ऑलरेडी किया उससे पहले हजार लोगों ने उसी आंसर शीट पे आंसर दिया है गड्ढे हुए बस वो फॉर्मेलिटी है

हमारे घरों में बड़े बड़े बुजुर्ग हमेशा बोलते रहेंगे कि झूठ नहीं बोलना है और खुद सारा दिन झूठ बोलते रहेंगे लाइसेंस वही आपके पिताजी आपको बिना एग्जाम पास करे लाइसेंस दिलवा के लाएंगे के लिए और, क्या और क्या फिर घर आके बोलेंगे देखा मैंने कितने मेरी जानकारी अगर कोई पकड़ा गया पुलिस के हाथों मतलब किसी ने पुलिस ने रोक लिया कि भैया नहीं चरान तो कटेगा तो उसके हाथ पर जोड़ देंगे जी ले लो पैसे ले लो बच्चे के सामने हाँ भाई इतने ले लो उतने ले लो अभी छोड़ दो और फिर घर पे आके यही बोलेंगे कि बहुत करप्शन हो गया बहुत करप्शन हो गया है तो करप्शन में तो भागीदार भी तो करके जा रहा है ये ये जो है ना ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना ये हमारी मेंटेलिटी का इशू है सर हमारी मेंटेलिटी जो है ना वो प्रोग्रेसिव नहीं है प्रोग्रेसिव नहीं है हमारी है कि भाई जुगाड़ हो हो जाए काम हो जाए काम किसी शॉर्टकट से, से। कि किसी तरह से काम हो जाए, फिर आगे की आगे देखी जाए। कुछ लंबी नजर नहीं होती मैं आपको मेरी फैमिली मेरे में बहुत क्लोज रिलेटिव रिलेटिव मतलब भाई था मेरा। दिवाली वाले दिन छोटी दिवाली वाले दिन स्कूटर सत्रह साल का लड़का था दिवाली वाले दिन स्कूटर से पेट्रोल बदलवा के ला रहा था और सामने से ऑटो वाले ने जिसने दारू पी रखी थी रॉन्ग साइड पे आके और उसके लगा दी ठीक है वो गिर गया अब सबसे पहले भीड़ इकट्ठी हुई लड़के को चोट लगी हुई थी फेस छिल गया था ये हो गया था सामने एक हॉस्पिटल था लोग फटाफट वहां पर ले गए अब सिस्टम बताऊंगा मैं कहा फेल हुआ उसके बाद उसके चेहरे पे चोट थी बहुत बड़ा हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल था प्लास्टिक सर्जरी का हॉस्पिटल ठीक है डॉक्टर वहां पे जो उस हॉस्पिटल का मेन डॉक्टर है उसने उसको चेक किया ठीक है अब प्लास्टिक सर्जरी वाले को प्लास्टिक सर्जरी दिख रही थी ठीक है कि फेस पे चोट आ गई इसका असर मैं कल प्लास्टिक सर्जरी कर दूंगा ठीक ठीक हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है है जमा कराओ होना क्या चाहिए था रोड एक्सीडेंट का केस है है ठीक आपको पूरी बॉडी को स्कैन करना चाहिए उसके असर पेट में चोट लगी हुई थी इं, इंटरनल लीवर रक्चर हुआ था उसका इंटरनल ब्लीडिंग चल रही थी ठीक है दिवाली वाला दिन सात आठ घंटे तक तो हॉस्पिटल में रहा सब लोग हो गए भाई चलो कल ऑपरेशन है थोड़ी देर में उसने पानी मांगने लग गया वो ठीक है तो वो ब्लीडिंग का इंटरनल ब्लीडिंग का बहुत बड़ा साइन होता है व्हेन यू स्टार्ट आसिंग योर वाटर तब तो उस डॉक्टर के पहुंच कर ठीक है बोला भाई मेरे बस का नहीं है उसको फटाफट होने लिया इतना टाइम लगाने का इतना टाइम लगाने में इतनी देर में उसकी ब्लीडिंग इतनी, इतनी हो चुकी थी पेट में कि कोई वो नहीं था उसका बचने का ठीक है वहां पे लेके गए डॉक्टरों ने ट्राई भी किया बट डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने से पहले ही बता दिया था और कि जिन बचेगा नहीं ठीक है हम कोशिश कर सकते हैं बट लीवर में है उसी टाइम अगर उसको डॉक्टर तो साहब आप कैमरे के पीछे बैठे हो आप बताओ कि अगर यहाँ पे एक्सीडेंट का केस जाता है तो सबसे पहले क्या क्या बताया जाता है डॉक्टर को क्या करना होता है नहीं वो पहली बात तो वो प्लास्टिक सर्जरी वाले जो स्पेशलिटी हॉस्पिटल जाना नहीं था उसको मतलब वो वहां पे लेकर होना चाहिए होना चाहिए था अपने यहाँ पे जो होता वो सीधा एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी होती है हर हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी उसमें स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनका पहला काम एक्सीडेंट का ये होता है कि पूरी बॉडी को चेक किया जाए पूरे कपड़े वपड़े उतार के जो भी अंडर गार्मेंट्स रख के पूरी बॉडी को ऊपर से नीचे तक एक एक हड्डी एक एक पेट क्योंकि तो ये बहुत कॉमन है जो आपने मेंशन किया रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में पेट में ब्लीडिंग होके जाना ये तो बहुत ही जैसे क्या ना पहली चीज आती है रूल आउट करने में अगर अगर पेशेंट वैसे होशोहवास में है तो दैट इज व्हाट वी शुड रूल आउट तो आपने बिल्कुल सही कहा सिस्टम की बहुत बड़ी खामी है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है कि वो और उठाया उसको उसी दिया। तो ने पहला मिला वहां ले जो डॉक्टर था ना उसको तो पता होगा ना ये बिल्कुल, 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 वो अपने पैसे छापने में लगा हुआ प्लास्टिक सर्जरी करूंगा मैं इसकी उसको तो बोल देना चाहिए ना अरे रोड का केस है फटाफट वहां पे लेके जाऊंगा बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है सर चलो वो तो गुजर गया बच्चा उसके बाद मैं बोला कि भाई ये तो मेडिकल नेग्लिजेंस है मैं लड़ूंगा इसका केस डॉक्टर को छोडूंगा नहीं उसके बाद अपना जो सोशल वो है ना, जो बड़े की समझे के भाई हमें चाहिए। वो, गलत सब कुछ होता। वो भी गल, गलत नहीं है सर ठीक है अब इस बात को ना एक्सीडेंट के निकाल दिया सबने दिमाग से ठीक है हु एवर वॉज अफेक्टेड बट इट इज नॉट एन एक्सीडेंट इट इज ए मर्डर

तो ये कितने सारे कानून इसमें ब्रेक करे गए हैं कितने किसी ने मॉनिटर नहीं किया इसको किसी ने जो है मतलब ये नियम कानून की बात ही नहीं करेगी वो हाईवे पे आप इतनी सरिया भर के चला रहे हो भी बाहर निकले हुए सरिया पहले तो आप ये कर ही नहीं सकते नहीं। तो रोड सेफ्टी इज नॉट अ प्रेफरेंस इन इंडिया मतलब कितने सारे माँ बाप होते हैं अपने बच्चे को सोलह साल होते हैं स्कूटी दिला देते हैं बाइक दिला देते हैं कोई रोड सेफ्टी की उसमें जानकारी उसको नहीं देते ना उसको लाइसेंस मिलता है लेकिन वो बाइक लेके वो लफन घूमता रहता है यूपी में जब गन्ने की फसल कटती है तो ट्रॉलियां जो ओवरलोडेड होती है ओवरलोड मिल होते हैं तो, मतलब तो तीन लेन वो ट्रॉली चल रही है ठीक है और वो रात को भी चल रही होती है अब आप बताओ और लाइटिंग कोई नहीं है वहां पे कोई आ रहा है वहां पे और गाड़ी तो चलो छोड़ो गाड़ी में तो चलो कोई बच भी जाए टू व्हीलर वाला अगर आ गया तो ठुकेगा मरेगा अब आपके आपने अपने कजन की बात बताई थी ना वो अगर आप वो केस लड़ते भी तो क्या होता कुछ लोट चेंज लोट होता, होता क्या डॉक्टर साहब आप बताओ अगर यही किस्सा यहाँ पर स्कॉटलैंड या यूके में या कहीं वेस्टर्न कंट्री में जहाँ पे इतना डेवलप्ड है अगर यही होता और अगर कोई मेडिकल नेग्लिजेंस का केस लगाता है हुँ, हुँ। तो क्या होता है आप बताओ उसमें देखिए होते हैं यहाँ पे यहाँ पे भी नेग्लीजेंस भी होती है सिस्टम के फेलियर भी होते हैं और फैमिली वाले केसेस लड़ते हैं और कई बार सालों लगते हैं लेकिन जब उसकी फाइंडिंग वो सिर्फ केस आगे बढ़ता है जब उसकी लेकिन फाइंडिंग सामने आती है एविडेंस सामने आती है कहा गड़बड़ हुई उसमें अगर डॉक्टर की प्रॉब्लम आएगी तो डॉक्टर को सजा मिलती है और जो सिस्टम है ना उससे लर्न करके उस चीज को बचाने में आगे का स्टेप्स करता है सिस्टम को इंप्रूव करने में ताकि ये जो एक्सीडेंट तो हो गया जाने वाला तो अनफॉर्चुनेटली गया लेकिन आगे ना हम कोई हम जाए लेकिन जो आपने बात की इंडिया में क्योंकि वो के, हुआ नहीं होता भी तो आपके आगे और अड़चने आती कोई स्टेप इंप्रूवमेंट का नहीं होता इसीलिए इम्प्रूवमेंट लेके आने में हमें मतलब क्या सदियां लग रही नहीं। नहीं। नहीं है, है वो इम्प्रूवमेंट का मसला वही है ना सर कि हमारा जो जो कल्चरल बैकग्राउंड uh, है ना वो uh, वही जो पहले बात करी इंडिया में ना किसी को ये इंटरेस्ट नहीं है कि हमें एक बेहतर सोसाइटी बनना है इंडिया में इंटरेस्ट ये है कि हाउ डू वी नेविगेट एंड सर्वाइव किसी तरह से काम हो जाए और इसी वजह से ये सारे इंस्टीट्यूशन और ये सब चीजें जो है इनके विक्टिम भी बने रहते हैं तो कहां से होगा वो अब वो अंदर से है ही नहीं और जो रोड सेफ्टी की आपने जहां तक बात करी है कि हफ्ते हैं टुडे इज रोड सेफ्टी वीक रोड सेफ्टी मंथ ये बनाते हैं बट उसी रोड सेफ्टी वीक में उसी रोड सेफ्टी मंथ में कितनी एक्सीडेंटल डेथ्स हुई है इसका डेटा नहीं मिलेगा और क्यों हुई है और क्यों हुई है इसका डेटा नहीं मिलेगा तो फिर क्या क्या कॉस्मेटिक वो वो बन रहा है हमारे यहाँ पे मैं कहने का मतलब यही है कि इट्स इट्स वी नीड टू हैव अ कल्चरल चेंज पे हम आ, ये बात एक्सेप्ट करें कि सड़क पे जो भी चल रहा है उसके सेफ्टी उसका हक है कि वो वहां पे ना एक अकस्मात गंदी दर्दनाक मौत ना मर जाए अगर कुछ हो तो उसकी गलती से हो और कोई और गलती किसी गलती से ना हो और जो जो स्टेट है जो स्ट्रक्चर बना रहा है जो सब कुछ बना रहा है उन्होंने अपनी तरफ से पूरा किया वो कि भाई अब तू मरेगा ना अगर यहाँ पे तो तेरी को भी खूफी है अब कोई पीके ही चला रहा है तो फिर तो उसके लिए स्टेट जिम्मेदार घूंघट करके सड़क ही क्रॉस कर रही है तो फिर उसके लिए जिम्मेदार नहीं है लेकिन वो घूंघट करके क्यों कर रही है वो एक अलग कल्चरल एस्पेक्ट है तो हम हमारी कल्चरल प्रॉब्लम है वी डू नॉट हम ह्यूमन लाइफ को इतना ह्यूमन लाइफ को इतना रिस्पेक्ट नहीं करते जितना हम इस बात को रेस्पेक्ट करते हैं कि जुगाड़ से निकल जाए किसी तरीके से अब उसमें चाहे तीन चार सुहा भी हो जाए काम हो गया अब जो जो आप आपकी कजन की आप, आप बात कर रहे थे ठीक है ये जो डॉक्टर है अब जिन लोगों ने बच्चे को उठाया उनको तो दिखा सामने हॉस्पिटल है उनकी कोई गलती नहीं उनकी उनकी थोड़ी है जो सबसे नजदीकी हॉस्पिटल है वहां ले जाओ वहां कुछ और ही बिजनेस चल रहा है तो वो डॉक्टर को ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं है वो कहां से आया उसको मेडिकल एथिक्स ही नहीं है जबकि सिखाया जाता है ओथ लेते हैं आपको तो पता है ओथ लेते हैं देखो, 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 देखो। कोई मेडिकल अधिक से नहीं है अब इसमें इसमें मतलब ये ये तो एक कल्चरल चेंज है ना सिस्टम चलो आ, ए, कैसा भी हो जाए ठीक है लेकिन अगर तो कोई बेईमानी आदमी बैठा हुआ है तो, तो क्या कर लेगा सिस्टम ही क्या कर लेगा सिस्टम ही क्या कर ले? तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स सिस्टम अपना काम पूरा करे लेकिन लोगों को भी अपने अंदर ही जिम्मेदारी रोनी पड़ेगी लोग खुद अफेक्टेड जो अपना कोई

लेकिन आप ये बताओ कि सिस्टम किसके पास इतना टाइम और एनर्जी है कि अपना एक तो खो दिया है उसके बाद भक्ता फिरे कोर्ट वकील कचहरी के चक्कर में दस दस साल तक और फिर भी जिसने मारा है आपने देखा होगा कि मतलब जो अमीर लोग कुचलते हैं तो बच के निकल जाते हैं ठीक है उनसे कौन लड़ेगा समथिंग इज रियली रॉन्ग हेयर एंड इट नीड्स टू बी फिक्स इन आर एटीट्यूड एंड थ्रू द सिस्टम और सिस्टम ही अगर ये बोल देना कि अगर कोई मेरे को मतलब सिस्टम ना अगर इतना जुगाड़ कर दे अगर आप दारू पी के गाड़ी चला रहे हो ना तो निकलोगे नहीं बाहर तुम्हें पकड़ लिया जाएगा और तुम निकलोगे नहीं और उसके बाद दोबारा कभी गाड़ी चला नहीं पाओगे और उसके बाद दोबारा पकड़े गए तो फिर लंबी होगी ये सब होने लग जाए ये छोटे छोटे चेंजेस छोटे छोटे चेंजेस है ये और ये बताओ मतलब वो कौन जो लोग दारू पी के गाड़ी चलाने निकल लेते हैं खुद मरेंगे अलग बात है किसी को चेप देंगे उन्हों में उनके दिमाग में ये एटीट्यूड मैं, मैं तो, तो ये गेट अवे का जो मसला है ना ये ये हैंडल करना चाहिए ना हमारे सिस्टम को स्टेट को और साथ में हमारी तो जिम्मेदारी है अपनी जिम्मेदारी से तो भाग नहीं सकते हम इतना तो कर ही सकते हैं कि भाई मैं रूल ब्रेक नहीं करूंगा सड़क पे पीके चलाऊंगा नहीं स्पीड के लिमिट के नीचे लेकिन फिर भी एक फूट गया इंटरनल ब्लीडिंग हुई हुई जैसे आपके कजन थी तो फिर मैं कुछ कर ही तो नहीं सकता बिल्कुल तो इट्स एंड कितना डिसरेस्पेक्टफुल लगता है आपका कोई परिवार वाला है सड़क पे कुचला पड़ा हुआ है